सो आप मोबाइल से कॉमेडी वीडियोस को बनाना चाहते हो, शूट करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो और उसमें आवाज़ भी अच्छी रिकॉर्ड करना चाहते हो कि आसपास का बाहर का कोई भी साउंड आपको ना सुनाई दे, जैसे आपके बड़े बड़े फेवरेट क्रिएटर्स करते हैं, हर्ष बेनीवाल, राउंड टू हेल, अमित बड़ाना, आशीष चंचलानी या जो भी आपके क्रिएटर है फेवरेट। देखो आज मैं जो आपको चीज बताने वाला हूँ वो किसी भी तरीके से काम करेगी, चाहे आप एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्ड करते हो माइक में, चाहे आप डायरेक्ट दूसरे फ़ोन में आवाज़ रिकॉर्ड करते हो या फिर कोई और माइक आपने लगा रखा है, तो किसी भी तरीके से आप जब ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो बाहर का शोर किस तरीके से ख़त्म हो सकता है, आज ये जो तरीका मैं बताने वाला हूँ ये हर तरीके में काम करेगा। देखो सबसे पहले तो चीज़ जो आपको चाहिए अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए और वीडियो रिकॉर्डिंग साथ ही साथ में जो करनी है, आपका मोबाइल और उसके अंदर एक एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसके अंदर प्रो वीडियो मोड आपको मिल जाए। मेरे फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट ही है, आजकल जितने नए फ़ोन आते हैं उन सभी में प्रो वीडियो का ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट हर फ़ोन में मिल जाएगा ज़्यादातर, और अगर नहीं भी है तो डोंट वरी, आप फ्री एप्लीकेशन है जैसे ओपन कैमरा या फिर दूसरी कोई एप्लीकेशन है जैसे फिल्मिक प्रो, ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है जिनके अंदर आप सारी चीज़ें मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो। अब आपके पास मोबाइल है, एक ऐप है जिसके अंदर प्रो वीडियो का ऑप्शन है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली एक स्टेप और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका जो भी कैमरा ऐप है जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसमें जो ऑडियो का फंक्शन आपको दिखाई दे उसको सिर्फ -12 डेसिबल की तरफ आपको स्क्रॉल कर देना है। अब ये डेसिबल होते क्या है, आपकी ऑडियो का एक बेसिकली लेवल होता है, जैसे आप तेज बोलते हो लोगों को सुनाई देता है, और तेज अगर आप बोलते हो तो आवाज़ फट जाती है, मतलब कानों में दर्द होता है सुनने में, या फिर आप धीरे बोलते हो तो कम सुनाई देता है, या फिर बिल्कुल ही धीरे धीरे बोलते हो तो दूसरे को सुनाई ही नहीं देता, वो आपकी ऑडियो के लेवल होते हैं। सेम उसी तरीके से आपका कैमरा भी इन्हीं लेवल्स के ऊपर काम करता है कि आप कितना तेज बोलोगे वो चीज़ हमारे कैमरा के अंदर कैप्चर हो। अब बाय डिफॉल्ट ये सभी कैमराज में 0 पे होता है या फिर प्लस की तरफ होता है ताकि ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे, नॉइज कैंसिलेशन ऑन करने के बाद ये मे बी -2 तक ये काफ़ी फोन्स के अंदर हमें नज़र आता है, लेकिन जब आप इसको -12 की तरफ लेके जाओगे तो आपके आसपास का जो शोर है, स्पेशली जो हवा है या ट्रैफिक है, वो बहुत ख़त्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा। एक सैम्पल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो गाइस इस समय जैसे कि आप देखेंगे कि पंखा चल रहा है, आवाज़ आ रही है, CPU भी चल रहा है, हो सकता है इसकी भी आवाज़ आ रही है और मेरी भी आवाज़ साथ ही साथ में कैप्चर हो रही है। ये है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो कैमरा होता है, माइन अभी इस समय ये 0 डेसिबल पे है, मतलब कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से कैमरा आपकी आवाज़ को कैप्चर करेगा, पंखा लाइट सब इस तरीके से चल रहा है तो ये आपको आवाज़ सुनने को मिलती है। और अब है हमारी आवाज़ -12 डेसिबल पे, जो हमने बिल्कुल लेवल को नीचे कर दिया है, अभी भी हमारा CPU भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है और पंखा भी चल रहा है, आवाज़ आपको फ़र्क काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा कि फ़र्क कितना ज़्यादा होता है। फ़र्क आपको नज़र आ गया होगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करें तो मेक श्योर कि -12 की तरफ करें आपका ऑडियो का लेवल। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि करेक्टर अगर आपका बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा है तो हो सकता है उसकी भी आवाज़ कैप्चर ना करे, तो आप -12 की जगह -10, -8 इस तरीके से अपने सीन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सो गाइस आज की जो वीडियो थी ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास माइक लेने का बजट नहीं है, वरना मैं सभी को यही रेकमेंड करता हूँ कि वो थोड़े पैसे खर्च करके अच्छा माइक खरीदे ताकि आपकी जो ऑडियो है वो बहुत अच्छी रिकॉर्ड कर सके। अब कौन सा माइक बेहतर है, वायर वाला या फिर वायरलेस, इसके ऊपर मैंने 2-3 सेपरेट वीडियोज बना रखे हैं, वो जाके देख सकते हैं। काफ़ी मात्रा में जो आपका बाहर का शोर है वो -12 डेसिबल करने पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए कि आपकी अगर आवाज़ कम है तो आप एडिटिंग में उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आवाज़ फटी हुई ज़्यादा है तो उसको आप एडिटिंग में ठीक नहीं कर सकते। देखो ये जुगाड़ सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, कि ना तो वो माइक ले सकते हैं ना ही फिर वो दूसरे मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये अगर आप माइक में या फिर दूसरे मोबाइल में भी ऑडियो रिकॉर्ड करते हो तो उसमें भी आप -12 पे करके करोगे तो ज़्यादा अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर आप एक ही फ़ोन से शूट कर रहे हो और इसी की ऑडियो आप कैप्चर कर रहे हो इसी के अंदर ही, तो अगर आप दूर जाओगे तो आवाज़ का प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आपकी आवाज़ की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, बट ये जो सोल्यूशन मैंने बताया ये थोड़ा सा आपकी आवाज़ को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। सो ऐसे ही बहुत सारी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार, शेयर ज़्यादा करो, कमेंट भी करो कैसी आपको वीडियोस लग रही है, नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो वो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।